नई दिल्ली में आप सभी का स्वागत है। नई दिल्ली का ये बड़ी बहुत प्यारा खूबसूरत जगह है देखने लायक। दिल्ली है दिल वालों की।
बहुत ऊपर जोरदार तालियां, प्लीज वेलकम मिस्टर विजेंद्र सिंह अंगोरिया, सनराइज लामारे, वीर महाराज। करते हैं हमारे कुछ और डायमंड, क्योंकि यहाँ पर डायमंड की लिस्ट एंडलेस है गाइस। लेट्स वेलकम हेम चंद्र रबा, विक्रम बागरा, कपिल ठियोटिया एंड अजीत यादव। हम मंच पर आमंत्रित करते हैं हमारी कुछ और डायमंड्स, प्लीज वेलकम प्रेम सिंह, विजय शंकर त्रिपाठी, मूलाराम माली एंड शंकर लाल। एक बार फिर से आप सभी के दोनों हाथ ऊपर जोरदार।
दो और ब्लैक डायमंड्स आप सभी के बीच में अपने कदमों को आगे बढ़ाते हुए एक बार फिर से जोरदार ताली हो जाए एंड लेट्स वेलकम मिस्टर सुनील यादव एंड मिस्टर और ब्लू डायमंड्स को आप सभी के बीच में आमंत्रित करते हुए एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर जोरदार तालियां प्लीज वेलकम राम
इंतजार कर रहे हैं, ये सारे इंतजार कर रहे हैं आपके डांस का। पर क्योंकि आज आप एम्बेसडर बने तो ये फैसला हम आप पे छोड़ दें कि आप अकेले डांस करेंगे या मैं सर लोगों को बुला लूं। सर लोगों के साथ तो मैं रिक्वेस्ट करती हूँ हमारे दोनों क्राउन एम्बेसडर्स डॉक्टर शिव कुमार जी, मिस्टर महिपाल सिंह जी और हमारे कंपनी के सीईओ, हमारे एमडी सर डॉक्टर संजीव कुमार जी कि वो मंच पर आकर हमें ज्वाइन करें और रिकग्नाइज करें हमारे नए एम्बेसडर मिस्टर अनुज शर्मा जी को। पर रिकग्नाइज करने से पहले क्या होने वाला है और जो स्टेज पर मौजूद है वो तो यहाँ डांस करेंगे पर जो नीचे मौजूद है वो वहीं पे डांस करेंगे। करते हैं हमारी कंपनी के नए एम्बेसडर को एक बार फिर से दोनों हाथ ऊपर जोरदार तालियां को मिस्टर अनुज शर्मा।
वो कोई और नहीं SDPS Wellness MD and CEO हम सभी के गुरु संजीव कुमार से जोरदार तालियां हो जाए। अगर गुरु जी कंपनी नहीं बना मेरे लिए कोई इंसान नहीं है, मेरे लिए भगवान से कम नहीं है। मैं चाहता हूं एक बार शिव कुमार गुरु जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप सभी लोग जानते हैं शिव कुमार गुरु जी हमारे बीच में लगातार 24 घंटे रहते हैं, 24 घंटे वो अपना समय, अपनी नॉलेज, अपना एक्साइटमेंट हमें देते रहते हैं, जिसकी वजह से आज हम सब लोग इस हॉल का हिस्सा बन पाए। और दोस्त, किसी व्यक्ति को एक कामयाबी की राह दिखाने के लिए एक ऐसा व्यक्ति धरती पर उतर के आता है, कोई ना कोई आपके जीवन में भी आया होगा जिसकी वजह से आप आज यहाँ पर हैं। तो मेरे जीवन में अब से 7.5 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति आए जिन्होंने मुझे जमीन से उठाकर, जहां पर मेरे पास कुछ भी नहीं था, और मुझे कहां से कहां पहुंचा दिया। ये आप लोगों के सामने सब कुछ आज है। तो मैं चाहता हूं एक बार अब तक की सबसे जोरदार तालियां हम सभी के गुरु माँ गुरु जी श्रीपाल महिपाल सर के लिए जोरदार तालियां हो जाए। आप लोगों ने भी, जितने भी लोग हम लोग काम कर रहे हैं, आप सभी लोगों ने हमें से एक चीज देखी होगी, हम लोग महिपाल गुरु जी के पास किसी भी समस्या के लिए जाते हैं, किसी भी समस्या के लिए, एक छोटी सी समस्या ले लो या बहुत बड़ी समस्या ले लो, हम जैसे उनके पास जाएंगे, आप लोग एक बात याद करना और आप याद करिए, जैसे हमने उनसे हाथ मिलाया, हाथ मिलाते ही 99% समस्या का एंड हो जाता है। हाँ या ना? और बची जो 1% समस्या है, सिर्फ 1% समस्या, वो पता है आपको कब हल होती है? उनके बोले बिना, उनके मुस्कुराते ही वो 1% समस्या भी खत्म हो जाती है। सोचिए हमारे पास एक ऐसी अपलाइन है जो बिना बोले हमारी से बड़ी समस्या को खत्म कर देते हैं। दोस्तों, मैं बहुत ज्यादा लकी हूँ कि मैं SDPS Wellness में हूँ। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि हमारे MD साहब बहुत बड़े अच्छे इंसान हैं। मैं बहुत ज़्यादा लकी हूँ कि मेरे दो दो अपलाइन हैं। और ये सभी कहीं ना कहीं, मैं तो इतना ही मानता हूँ कि गलती से पिछले जन्म में अच्छे कर्म कर दिए होंगे, जिसकी वजह से मुझे इतनी अच्छी कंपनी, इतने अच्छे अपलाइन और इतने अच्छे MD साहब मुझे मिले, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पर पहुँच पाया। आप लोग अभी देख रहे होंगे, जब मैं रथ में चढ़ के आ रहा था, मैंने कितना कमाया वो बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि उस रथ में, हिंदुस्तान के सबसे बड़े इंडोर स्टेडियम के अंदर एक रथ में आने के लिए ऐसे ऐसे भी लोग होंगे जिन्होंने 1,00,000 करोड़ भी कमाया होगा, और ऐसा सम्मान उनको आज तक नहीं मिला होगा जैसा आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं। उनके पास अथाह पैसा होगा, लेकिन उनके पास ऐसा सम्मान जो आज आप देख रहे थे रथ पे, मैं आ रहा था, मैं सोच रहा था कि पता नहीं ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से इतना बड़ा सम्मान मिल रहा है। तो दोस्तों, उसके बाद मेरे जितने भी लीडर्स हैं, जितने मेरी कोर टीम का हिस्सा हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ये जो आज मेरे पास बेल्ट है, ये आप सभी के साथ की वजह से आज मुझे मिली है, और मेरा वादा है आने वाले 1 से 2 साल के अंदर, चाहे आज आपका रैंक डायमंड है, अगले 2 साल के अंदर ये एम्बेसडर की बेल्ट आपके कंधे पे लाने के लिए मैं 24 घंटे मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अगले 2 साल के अंदर उन सभी का धन्यवाद जो मेरी टीम में, उन्होंने चाहे टेंटो डॉग लेके भी ज्वाइन किया हो, उनका भी धन्यवाद जो ब्रॉन्ज बने, उनका भी धन्यवाद जो सिल्वर है, गोल्ड, प्लेटिनियम, एमरल्ड, टोपाज, रूबी, सफायर,
स्टार सफायर, डायमंड, ब्लू डायमंड, ब्लैक डायमंड, रॉयल डायमंड, क्राउन डायमंड, हर उस व्यक्ति का धन्यवाद जिसकी वजह से मेरे को एक एसपी भी मिला है, उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ उसका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे छोड़ के चला गया, उसका भी धन्यवाद। क्योंकि लोग जब हमें छोड़ के जाते हैं ना, तो इसलिए छोड़ के नहीं जाते हैं कि हम बर्बाद हो जाएंगे, लोग इसलिए छोड़ के जाते हैं उनको भरोसा होता है ये हमारे बिना भी कर जाएगा, वो इसलिए छोड़ के। दोस्तों, आप मेरे बारे में जितने भी लोग हमारे साथ ज्वाइन है सब जानते हैं, लेकिन मैं कुछ अपने बारे में बताना चाहता हूँ। मैं दो बातें ही आपसे करने के लिए यहाँ पर आया हूँ, सिर्फ दो बातें। मैं इस कंपनी में आने से पहले क्या था और इस कंपनी में आने के बाद मैं क्या हो गया, जानना चाहते हैं? yes! सारे लोग जानना चाहते हैं? yes! दोस्तों, नाम बताने की जरूरत नहीं है, मैं रहने वाला ग्रेटर नोएडा से हूँ, यहाँ से थोड़ी दूर पे एक शहर है ग्रेटर नोएडा। अब से कुछ सालों पहले जब मेरा जन्म हुआ, हर परिवार के अंदर हम सभी लोग यहाँ पर जितने भी लोग बैठे हैं, लोअर मिडिल क्लास या अपर मिडिल क्लास लोग बैठे हुए हैं, मेरा जन्म एक अच्छे परिवार में जन्म हुआ। मेरे परिवार में मेरे दादाजी से लेकर अब तक मैक्सिमम लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। मेरे घर में सब पढ़े लिखे, ग्रेजुएशन से सब ऊपर है, मैं ही एक ऐसा हूँ जो सिर्फ इंटर हूँ, सब मेरे से ऊपर ही है। किसी की ग्रेजुएशन कंप्लीट है, कोई एमबीए कर चुका है, कोई डॉक्टर की तैयारी कर रहा है, कोई गवर्नमेंट जॉब में कहीं ना कहीं है। मैं पूरे खानदान में इकलौता ऐसा हूं कि जो सिर्फ 12th, सब मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे, सब अच्छी नौकरी में। तो मेरे जो घर वाले थे उनका भी मेरे पीछे एक ही सपना था कि ये लड़का बड़ा होगा और ये भी कहीं ना कहीं नौकरी करेगा और हमारे सपनों को पूरा करेगा। लेकिन मेरे माइंड में कभी भी ये नहीं आया कि मैं कभी नौकरी करूं। धीरे 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 करके जीवन चलता रहा, जैसे मेरी उम्र हुई कि मुझे नौकरी करनी चाहिए, मेरा मन नहीं था नौकरी करने का, लेकिन फिर भी मैंने ग्रेटर नोएडा के अंदर मैंने सेल्स के अंदर जॉब करी और वहां से मैं एक अच्छी सैलरी उठाता था। अब से 10 साल पहले की बात है, 10 साल पहले मैं 30 से 40 हजार रुपये इंसेंटिव लगा के मैं एयरटेल कंपनी में वहां से अच्छा खासा अर्न कर लेता था। उस समय मैं बाइक हुआ करती थी, 500 रुपये में टंकी फुलवा करती थी, तो 30 से 40 हजार रुपये अमाउंट उस समय पर मुझे बड़ा लगता था। लेकिन जीवन में कुछ अलग करने की चाहत थी, जीवन में कुछ ऐसा कर... 14 साल सरकारी नौकरी करने के बाद मुझे समझ में आ गया कि ये जिंदगी तो ऐसे ही निकल जाएगी, बुढ़ापा आ जाएगा, लेकिन जिंदगी बदलने वाली नहीं है। जो मेरी परिस्थितियां खराब थी, बहुत खराब थी, किसी कारणवश से पहले से ही चली आ रही थी, वो उसमें बदलाव नहीं आ रहा था। करे तो क्या करे, किसी न किसी बिजनेस की तलाश थी और ऊपर वाले ने मेरी सुनी और गुरुदेव अनुसर से मेरी मुलाकात हुई फेसबुक के माध्यम से। पुराने हेड ऑफिस में मैं गया मिलने के लिए और वहां पे गुरुदेव अनुसर ने मुझे प्लान दिखाया, महिपाल गुरु जी का आशीर्वाद मिला, शिव कुमार गुरु जी का विश्वास मिला और संजीव सर गुरु जी का मुझे प्यार मिला। और फिर मैंने वहां से फिर मुड़ के नहीं देखा दोस्तों, प्लान समझ में आ गया, प्रोडक्ट का रिजल्ट आ गया, काम करना स्टार्ट किया, सिस्टम को फॉलो किया, सिस्टम की और अपलाइन की किसी भी बात को मैंने टाला नहीं। जब जब जैसा जैसा जब जब सिस्टम की जो डिमांड थी वो डिमांड को पूरा किया। कई बार तो पहले मैंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम स्टार्ट किया, कई बार तो मुझे जॉब से छुट्टी भी नहीं मिलती थी और इस बात के गवाह है हमारे अपलाइन गुरुदेव विजेंद्र सर मेरे साथ जॉब करते थे। मैंने 2 बार ब्लड डोनेट करके अपना कार्यक्रम शुक्रवार की ट्रेनिंग करवाई है, छुट्टी नहीं मिला था। ब्लड डोनेट करने के बाद गवर्नमेंट का रूल है अगले दिन कोई ड्यूटी नहीं करा सकता, ऐसा भी किया है। और दोस्तों, और वही वजह है आज लगभग 6.5 साल हो चुके हैं और 6.5 साल के अंदर जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। और इस बिजनेस के माध्यम से मैं बताना चाहता हूँ, आज मेरे पास मेरे घर में 3-3 कार है। इस बिजनेस के माध्यम से आज 10 से 12 लाख रुपए महीना घर में आता है। आज इस बिजनेस के माध्यम से मैं लग्जरी कार ऑडी A6 मेंटेन करता हूँ, A6। और ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो शुरुआत है। और गुरुदेव
संजीव सर के माध्यम से समय समय पे ट्रेनिंग मिलती रहती है और अभी पीछे एलटी मिली थी जिससे मेरा मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मुझे पूरा विश्वास है इस बिजनेस के माध्यम से आने वाले समय में अगले 10 सालों में मैं 500 करोड़ भी कमाऊंगा। इस बात का चैलेंज है। थैंक यू दोस्तों। कभी मैं भी ऐसे ही दूर बैठा था आप लोगों की तरह। पहला प्रोग्राम जब इस कंपनी का हुआ था और मेरे पास नीचे का पास नहीं था, सिक्योरिटी वालों ने आने नहीं दिया। मैंने सोचा कि एक दिन आएगा जब अकेला स्टेज पे होऊंगा और सारी दुनिया देख रही होगी, और वो दिन आया। और मैं यकीन दिलाता हूँ आप सारे के सारे लोग यहाँ पे आ सकते हैं जब मैं आ सकता हूँ, जब मैं विश्वास कर सकता हूँ। एक बार विश्वास करने की जरूरत है, एक मजबूत विश्वास, एक मजबूत विश्वास अपलाइन का साथ आपको वहां से उठा के यहाँ पे ला सकता है। इस बात का चैलेंज है। करने के लिए तैयार है? थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने साथ दिया। और मैं सभी गुरुजनों को नमन करना चाहता हूँ जिन्होंने मौका दिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू सर मच। जब के डांस को देख के तो मुझे भी एनर्जी आ गई। गाइस आप अभी भी बैठे हो यार, कम ऑन AWPL, लेट्स डू दिस।
I'll request our crown ambassador, Mr. Maipal Singh ji, और हमारी कंपनी के MD, हमारे CEO sir, Dr. Sanjeev Kumar ji, आप सभी की तालियों के साथ, everyone all together to recognize our new black diamonds, Mr. Sudhir Kumar Singh and Mr. Ram Gopal Malhotra. We also have Dr. Shiv Kumar ji here with us. सर सुधीर सर ने वैसे ही सब सब पे आग लगा दी है, एक बार और फिर से ऑल टुगेदर। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, राम गोपाल मल्होत्रा जी के लिए एक बार फिर से गाना हो जाए, लेट्स हियर इट। थैंक यू सो मच। और आइए इसी के साथ अब वक्त है हमारी ब्लैक डायमंड्स को सुनने का, तो माइक हैंड ओवर करूंगी मैं मिस्टर सुधीर कुमार सिंह को। महिंद्रा 300 भी खरीदी और अगले पिछले 5 महीने पहले मैं इस बिजनेस के माध्यम से जस्ट एज ऑफ 26 ईयर के अंदर ऑडी A4 का मालिक।
तो सुनी ली, पूरी बात बता दूं? अब पूरी बात बताने जा रहा हूं। अब की बात, जो जो बोलेगा नमस्कार उसके घर आएगी कार, और जो जोर से बोलेगा नमस्कार उसके घर आएगी जगुआर। तो इतने जितने भी लोगों को आपने देखा कि जिनके पास जगुआर आई है उन्होंने पता क्या किया होगा, बोलो क्या किया? अब आज तक आपको पता नहीं था, अगर अब नहीं आई तो गलती आपकी है, क्योंकि राज की बात कभी कभी बताई जाती है और मैंने आपको बता दी। दोस्तों, इस महाकुंभ के सुपरहिट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और सबको बहुत बहुत बधाई। मैं मेरी आंखों से देख पा रहा हूं, भले ही आप यहां बैठे हैं, यहां पे चेयर नहीं मिली उसके बाद बैठे हैं, यहां बैठे हैं आप, यहां अभी तक खड़े हैं। और ऐसा बोला जाता है कि इंसान के मुंह से 24 घंटे में एक बार पक्का सरस्वती बोलती है, और मेरे मुंह से तो कई बार बोल जाती है। तो मैं भगवान से दुआ करता हूं कि भगवान, जो लोग पिछले 6-7-8 घंटे से इन सीढ़ियों पे इस तरह से अभी भी एक जिज्ञासा के साथ अपने सुंदर भविष्य की कल्पना करते हुए अभी तक भी ना पानी की चिंता है ना गर्मी की चिंता है, फिर भी ये लोग अभी तक भी दो पैरों पे खड़े बिना चेयर मिले, इनके सपने जरूर पूरे करना, इनको जल्दी से जल्दी पक्का अम्बेसडर बनाना। आज हमारे न्यूली अम्बेसडर अनु शर्मा जी को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने रिकॉर्ड बना दिया, और क्या बन गए बोलो बोलो। इन्होंने एक बात बताई कि जब ये मेरे पास आए थे और मैंने इनको प्लान दिखाया था, इन्होंने 8,20,000 का चेक मेरा देखा था, तो मेरा क्या रैंक होगा? अब सोचो इस बिजनेस की पावर। जब ये मेरे पास आए थे तब मैं स्टार सपायर और ये फ्रेशर, आज मेरे नाम के आगे भी अम्बेसडर लगता है, इनके नाम के आगे भी अम्बेसडर लगता है। अम्बेसडर के और पीछे क्या है उसको, उसके ऊपर ज्यादा ध्यान मत दो, क्योंकि देखो हम क्या बोलते हैं, शर्मा जी, गुप्ता जी, वर्मा जी, इनके पीछे भी तो कोई नाम होता होगा ना, तो आगे वाला नाम बोलते हैं उतना ही। तो आगे क्या है ये अम्बेसडर, तो यही एक प्लेटफॉर्म है कि आप किसी के साथ किसी भी पल पे आए हो, किसी भी रैंक पे आए हो, लेकिन अगर लगातार चलोगे तो आने वाले टाइम में उसके बराबर के रैंक पे आ सकते हो। ये पावर असली पे रैलिस के। हमारे दोनों क्राउन डायमंड्स को बहुत बहुत बधाई, हमारे जितने भी लोग आज रिकॉग्नाइज हुए उनको बहुत बहुत बधाई। मैं चाहता हूं कि जब मैं इनको पट्टा दे रहा था, मैंने कान में बोला धीरे से कि जो बेल्ट आपको पहनाई जा रही है ये टेम्परेरी है, परमानेंट नहीं है, और ये कभी परमानेंट हो नहीं सकती, फिर अगली फिर अगली फिर अगली। तो दोस्तों, आज आप हिंदुस्तान के कोने कोने से आए, आपके शहर में दिल्ली में भयंकर गर्मी थी, तो हमने जब आया था शिवकुमार सर और हम बात कर रहे थे, मैंने कहा यार हॉल में तो बहुत गर्मी है, मैंने कहा सर कुछ ऐसी काम करेगी, कुछ ऊपर वाले से बात करके बारिश करवा देंगे। अब संयोग से मुझे नहीं पता था कि क्या आप शिवकुमार सर से पूछ रहे ना, सच्ची बात बता रहा हूँ। अच्छा, हमें नहीं पता था कि आज बारिश होने वाली है, हमने ऐसे ही बोले, जब हम गए तो बीच में निकलने गए तो बाहर बारिश हो रही, तो शिवकुमार सर बोल रहे सर आपको कैसे पता चला आज बारिश होगी? मैंने कहा मैंने इस बारिश को है ना अपने लिए नहीं मांगा, मैंने इस बारिश को भगवान से मांगा कि आज इतने सारे कई हजार लोग गर्मी में पंखा लहरा रहे हैं, ये भगवान थोड़ी ठंड तो कर, मेरे ऊपर तो नहीं इन पे तो तरस खा, क्योंकि हो सकता है भगवान, आप अगर भगवान से कुछ मांगो, ऊपर वाले से कुछ मांगो तो हो सकता है आपको दे या ना दे, लेकिन अगर आप अपनों के लिए कुछ मांगोगे तो ऊपर वाला पक्का आपको देगा, ये मेरी गारंटी है। आप जगह जगह से आए हैं एक बड़ी उम्मीद के साथ कि आप भी कामयाब होना चाहते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, जवाब देना, क्या आप सारे लोग कामयाब होना चाहते हैं? यहां पे जिस तरह से अम्बेसडर को देखा वैसी लाइफ चाहते हैं? क्राउन डायमंड को देखा आपने, डायमंड को देखा, रॉयल डायमंड को देखा, ये सारे रैंक आप हासिल करना चाहते हैं? तो अब इसमें सबसे पहले एक काम करना पड़ेगा,
जो अम्बेसडर और क्राउन डायमंड है उनको देखना पड़ेगा आपको ठीक से। अनुसरे खड़े होंगे वहीं पे, मनोज जी आप भी खड़े होंगे, सारे देख लो इनका सर किधर है, ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, अपना भी चेक करो। अच्छा हाथ कितने हैं, अपने चेक करो, पैर मुझे भी दो दिखाई दे रहे, अपने भी चेक करो, कान बोलो बोलो, आपके आंख, फर्क क्या है, भगवान इनको कामयाब होते हुए देखना चाहता था इसलिए दो पैरों पे उतारा और आपको भी जिंदगी में कुछ करने के लिए दो पैरों पे इस धरती पे भेजा है। कोई फर्क है मुझे बता, कोई फर्क है, लेकिन फर्क है मैं बता रहा हूं क्या फर्क है। अनुज शर्मा जी ने इस प्लेटफॉर्म पे चलना 7.5 साल पहले शुरू किया था, आप में से किसी ने 1 महीने पहले, किसी ने 2 महीने पहले, किसी ने 4 महीने पहले, किसी ने 3 साल पहले, किसी ने 5 साल पहले, किसी ने 2.5 साल पहले, ऐसा ही है yes. और कोई फर्क है। दूसरा, जब अनुज शर्मा जी ने इस कंपनी को ज्वाइन किया था, स्लीपेस मैनेज बिजनेस को मनोज शर्मा जी ने जब ज्वाइन किया था, शिव कुमार सर ने सब शुरुआत की थी, पहले ही दिन इनको विश्वास था, भरोसा था कि मैं एक दिन कंपनी के 18 रैंक हासिल करूंगा। आपको है या नहीं है या आपको आप जानते हैं, इनको था। तीसरी बात, जब इन्होंने शुरुआत की थी तो इन लोगों को आज तक किसी आदमी को मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी कि भाई साहब आप मोटिवेट हो जाओ, नेगेटिव क्यों हो रहे हो, इस बिजनेस से पैसा आता है। पहली बार प्लान में बताया गया, उसके बाद दोबारा कभी किसी को नहीं बताया गया। मुझे नहीं मालूम कि आपके क्लाइंट को आपको बार बार मोटिवेट करना पड़ता है कि नहीं पड़ता। इन्होंने एक ही काम किया और एक काम किया, इन्होंने अपने सोए हुए सपनों को जगाया। बोलते कौन कामयाब होता है लाइफ में, संतुष्ट आदमी कभी कामयाब नहीं होता। ये महत्वाकांक्षी थे अपनी जिंदगी में। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आप संतुष्ट हैं या महत्वाकांक्षी हैं, ये तो आप ही जानते हैं दोस्त। आज आपको इस कामयाबी के सफर में अगर चलना है तो सबसे पहले यहां पे महत्वाकांक्षी बनना पड़ेगा, क्योंकि जो आदमी सोच नहीं सकता वो आदमी पा नहीं सकता। आप कुछ भी जिंदगी में पा सकते हो, लेकिन उससे पहले सोचने की हिम्मत तो करो, आप विश्वास तो करो कि जब मेरे जैसा आदमी स्टेज पे आ सकता है, शिव कुमार सर स्टेज पे आ सकते हैं, मनोज शर्मा जी आ सकते हैं, अनुज शर्मा जी आ सकते हैं, जैसा राम जी आ सकते हैं, सुनील जी आ सकते हैं, तो भगवान ने सबको एक ही जैसा बनाया है। फर्क सिर्फ इतना है कि इनको प्लेटफॉर्म कुछ समय पहले मिल गया और आपको प्लेटफॉर्म कुछ समय बाद मिल गया। मैं दोस्त यकीन के साथ बताता हूं, इसके अलावा कोई भी फर्क नहीं है।